नमस्कार, हाजिर हैं हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है, राजनीति में जिसका सफर लंबा है और जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा जब शुरू की थी उस समय का अगर कार्यकाल हम लोग याद कर लें तो मैं भी था बड़ा छोटा, लेकिन राजनीतिक संघर्ष था उस समय। और उस समय इस राजनीतिक संघर्ष में उतरने के पीछे का इनका मकसद क्या था और राजनीति में उतरे हैं उसके बाद लगातार दो बार चुनाव भी लड़े, चुनाव के नतीजे कुछ और रहे वो बात अलग की है, लेकिन इन सब के पीछे का मूल मकसद क्या था और राजनीतिक यात्रा प्रारंभ कर जब इन्होंने की तब से लेकर अब तक जनसमर्पण कितना रहा, जरा इसको भी हम जानेंगे और जानेंगे कि नए वर्ष में क्या चुनौतियां होंगी इनके सामने और उन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे और क्या है अब आगे का लक्ष्य। बस थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे शिवशंकर संकरी से जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में हैं शिवशंकर सिंह संकरी, नाम आपने जाना होगा, लखनऊ के लोगों के लिए नाम नया नहीं है, पर वो बातें नई नहीं होंगी जो शायद अब तक आप तक न पहुंची हो, पुराने लोग जानते होंगे, नए युवाओं के लिए बातचीत बहुत अहम रहेगी। शंकर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। राजनीति में जब आप उतरे, ऐसा होता है अमूमन कि अब जो राजनीति चल रही है, मैं जितना मेरा अनुभव है कि पद प्रतिष्ठा लोभ लालच मंच माला भाषण ये सब मिल जाए तो राजनीति में उस व्यक्ति को बड़ा मजा आता है जो राजनीति में उतरा है। आपका राजनीति में उतरने के पीछे का मूल मकसद क्या था जब आप उतरे थे, मैं वो सन भी जानना चाहूंगा और उस समय आपने क्या देखा कि अब आपने सोचा कि अब राजनीति में जाना चाहिए, वो क्या समय था और क्यों? मैं 1990 में केकेसी में छात्र राजनीति से लगाव था, तब से लगातार अब तक सामाजिक जीवन व्यतीत करता रहा। राजनीति में लगा माहौल क्या लगा आपको कि नहीं उतरना चाहिए, क्या ऐसा लगा कि वास्तव में संघर्ष करना है और लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो बगैर लोगों को इकट्ठा किए और जो दबे कुचले कमजोर, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग में हर कमजोर भी हैं, गरीब भी हैं, लाचार भी हैं, उनको सबको न्याय मिले, ऐसी मेरी सोच थी और तब से लेकर के आज तक राजनीति में सक्रिय राजनीति में इन्वॉल्वमेंट हूँ। आपने कहा कि अव्यवस्थाएं, इसका मतलब आपने देखी दबे लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, आपने देखा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी तो आपने राजनीति में पदार्पण किया, लगभग लगभग उद्देश्य आपका यही था। उस समय जब आप राजनीति में उतरे लोक संघर्ष कितना था, उन संघर्षों की जरा एक गाथा बता दीजिए कि उस समय ये सामना करना पड़ा, ये संघर्ष था। बहुत समस्याएं थी और उन समस्याओं को देखते हुए जब मैंने छात्र राजनीति समाप्त की और मैंने कहा कि अब किसी न किसी दल से जुड़ना पड़ेगा तो हमको लगा कि माननीय काशीराम जी के विचारों को हम सबसे ज़्यादा मानते थे, उनकी एक दो जनसभाएं, चूँकि LRSS इंटर कॉलेज बंथरा में है वहां पे मैंने जनसभाएं सुनी, तो मैंने 1996 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और उसमें कई आंदोलन किए, कई आंदोलन किए, एक उसमें 90-91 में एक एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ कॉलेज के सामने, उसमें हम लोगों ने, कई हमारे साथी थे और चूंकि वो जो घटना हुई वो बड़ी दर्दनाक घटना थी, कुचल के बस वाला चला गया, हम लोगों ने उसमें रोड जाम किया, फिर हम लोगों को उसमें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी और उस समय फिर हम लोगों को जेल जाना पड़ा, परंतु संघर्ष हम लोगों को जारी रहा, उसके परिवार के लोगों को न्याय मिला, उसके परिवार के लोगों को मुआवजा मिला, वहीं से शुरुआत की थी हम लोगों ने। वो संघर्ष था, ऊर्जा तो थी, मानते हैं इस बात को, और कई सारे आंदोलन होंगे, अगर लिस्ट हम जारी करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत समय हो जाएगा, वो बात तो खैर वहीं। बहुजन समाज पार्टी में आप आए, आपने कहा माननीय कांशीराम जी के, कांशीराम के विचारों को आप पसंद करने लगे थे, उनके एक भाषण को सुना, उनकी सभा को सुना, उसके बाद आपको लगा। उसके बाद से लेकर 1996 से लेकर मैं जानना चाहता हूं कि जनता के बीच कितनी आपकी लोक संघर्ष की गाथाएं कितनी रही, संघर्ष का मतलब कितने आपने ऐसे संघर्ष किए इसका परिणाम निकल गया है, जैसे एक आपने बताया उसके बाद भी जनता को कितना आपकी राजनीति से लाभ मिला, जरा वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ गिनती में कि आपने ये किया तो इसका परिणाम ये था, ये किया तो इसका परिणाम ये था, ये किया तो, दो चार बातें कुछ। देखो तो काम तो अनेकों किए लोगों को, जैसे हमारे यहाँ दादूपुर में
वहाँ पे लोगों की स्थिति ये थी कि वैसे तो बंथरा होकर के दादूपुर मार्ग जाता है, जिसमें लोगों को जब बारिश होती थी, वैसे बंथरा केवल 2 किलोमीटर है, और ऐसे जब घूम के आना पड़ता था बारिश के सीजन में पूरा भर जाता था, तो कई पुल बनवाए, संघर्ष करके धरना दिया, प्रदर्शन किया। फिर जब हम लोगों को मौका मिला, हम यहाँ से अपना विधायक बना पाए, तो हम लोगों ने कई पुल बना दिए, जिससे कि लोगों को सुविधाएं हुई, हाँ सुविधाएं हुई, और क्षेत्र में बहुत विकास किया लोगों के साथ मिल करके। चूँकि मैं किसी ऐसे पद पर नहीं रहा कि बगैर संघर्ष किए किसी को कुछ दिला पाता या दे पाता, और 2012 का और 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला संघर्ष की बदौलत। परंतु 2017 चुनाव के बाद मुझको ऐसा लगा कि वास्तव में जिस बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने काशीराम जी के विचारों को मान करके यहाँ पे संघर्ष का रास्ता तय किया, यहाँ तक संघर्ष करते हुए आए, हम लोग कोई सत्ता के लोभी नहीं कि जहाँ सत्ता रहेगी वहीं रहना है या लोग लुभावने बातों में फंसना है। संघर्ष कर रहे थे, परंतु जब देखा कि बिल्कुल विचारों की धज्जियाँ वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी में उड़ रही हैं, तो हमने अभी सितंबर के महीने में मैंने बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, उनसे बात की, और चूंकि मैं उनके विचारों को पसंद करता हूं, कारण है कि वो नौजवान हैं, नौजवानों की उनके अंदर ऊर्जा है, और वास्तव में सर्व समाज के लोगों की कोई बात करता है तो हमको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी लगे। मैंने उनसे आने का दल में आग्रह किया, उन्होंने हम लोगों को 21/9/2017 को समाजवादी पार्टी को ससम्मान सदस्यता ग्रहण कराई, स्वयं मैं उनका आभारी हूं, और अब आगे की लड़ाई इन्हीं के साथ लड़ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ लड़ना है, संघर्ष करना है। चलिए बात तो ठीक लगी, अब आगे का आपका लक्ष्य क्या है? माना कि जो पीछे का आपका देखा जाए 1990 से लेकर अब तक, अगर हम यात्रा को गिनती में करें 27 वर्ष हो चुके हैं, और 27 वर्ष की लोक संघर्ष की यात्रा किसी की हो तो एक पुस्तक लिखी जा सकती है। बात यह है कि इतना संघर्ष बिना पद के, अब पद के लिए फिर से आगे संघर्ष रहेगा या उसमें जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि वर्तमान समय में 1.5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, जो वास्तव में प्रदेश की, देश की तस्वीर बदलने का काम करेगी। हम लोग हर हालत में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में आवें, ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश जी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, और हम लोग जनवरी से इसमें लग करके जन जन में जा करके समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए उससे जोड़ने का काम करेंगे, और हर हालत में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की क्षमता वर्तमान समय में अगर किसी में है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के अंदर है, किसी दूसरे के अंदर नहीं है साथियों। चलिए चलिए चलिए, वो खैर समय बताएगा, लेकिन एक बात और, आपके एक बार होता है ना, हार जाने के बाद में अगर वही जनता फिर से आए सहायता के लिए, समस्या आपने बताए, तो बड़ा कष्ट होता है उनकी सहायता करने में, ऐसा मैंने देखा है अमूमन, वो कह देते कि आपने वोट नहीं दिया, आप अब पुनः कैसे सहायता करेंगे लोगों की, सरोजनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ फिर से वैसे ही खड़े रहेंगे या उस दर्द के साथ में खड़े रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, दर्द वर्द नहीं, देखो ऐसा है कि मैं 2012 का चुनाव लड़ा तो लगभग हमको 60,000 वोट मिला, और जब लोगों के हर सुख दुख में हर तरह से मैं उनके साथ खड़ा रहा, तो लगभग 14-15 हज़ार लोगों ने बढ़ करके हमारे साथ समर्थन किया, 73-74 हज़ार वोट हमको मिला था। इसलिए मैं तो चुनाव हारने के बाद से ही लगातार संघर्षरत हूँ, और उनकी मदद जैसे करता रहा हूँ वैसे ही करता रहूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तो समय और समीकरण के अनुसार हो जाता है। समाजवादी पार्टी के काम और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान का, उनकी 9-10 महीने की सरकार और उनके पीछे की सरकार,
अनुभव आपको क्या कहता है कि क्या सब भारतीय जनता पार्टी ने उन उम्मीदों को सकारात्मक दृष्टिकोण दे पाई है, उस तरह काम कर पाई, इस तरह से लोगों की उम्मीदें थी? कोई ऐसी उम्मीदें पे खरी नहीं उतरी, और आज भी मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो अन्यथा राज्य की सरकार हो, उनको ये ढिंढोरा पीटने से कि उनको जितनी जांचें करानी वो जांच करा रहे हैं, करावें, लेकिन काम करें। हमारे आगरा एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतवर्ष के अंदर सबसे सुपरफास्ट निर्माण कराया, और उसमें इन्हीं के द्वारा ट्रायल किया गया कि सेना के जहाज उतारे गए, और सराहना की गई कि वास्तव में ये सबसे भारतवर्ष के अंदर सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो हमको लगता है कि उनको उस तरह का विकास करना चाहिए। जिस आशा और विश्वास के साथ प्रदेश के लोगों ने उनको इतना बड़ा जनाधार दिया है, उस पर काम करें। और काम किया अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं जो कहा जाए, केवल वो जब बात होती है तो केवल जांच की बात कर देते हैं, जांच करावें लेकिन काम भी करें, जिसके लिए उनको। और अभी हाल में देखो, लखनऊ में राजधानी के अंदर अभी हाल में घटना हुई, आज भी कल भी घटना हुई, तो ऐसी हत्याएं रोकी जाएं और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यानी कानून व्यवस्था गड़बड़ है, अब आप नहीं मानते क्या? चलिए, खैर, तो ये विषय, ये भी विषय जांच का है मेरे हिसाब से भी। खैर, बातचीत तो हुई, एक आखिरी प्रश्न, एक संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि कल ही से नववर्ष आगमन है, तो कल जब प्रातः ये लोगों तक इंटरव्यू जाए तो एक आपकी तरफ से शुभकामनाएं आपके तरफ से। हम प्रदेश के और क्षेत्र के समस्त लोगों को आने वाले 2018 के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां उनको प्रदान हो। आशा करते हैं कि जिन उम्मीदें सरकार बनाई वो पूरा करें। हाँ, ये तो है, नहीं, जिन मैंने फिर कहा कि लोगों को जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए, और कार्य नहीं करेंगे तो उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लगभग सारी बातें हुई उस लोक संघर्ष से लेकर छोटे छोटे शब्दों में ही सही, लेकिन स्पष्ट बात शंकर जी ने रखी। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।